हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा संदीप रेहान के बारे में। संदीप रेहान का जन्म 23 फरवरी को हुआ। वो इंडो कैनेडियन है, मतलब वो इंडिया के हैं पर वो कनाडा में रहते हैं और वहाँ पर ही सेटल हो चुके हैं। वो अभी कनाडा के सिटी में रहते हैं और वहाँ ही अपना काम करते हैं। अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो एक प्रोड्यूसर है और उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है रेहान रिकॉर्ड्स। रेहान रिकॉर्ड्स कंपनी को तो आप जानते होंगे। तो रेहान रैकेट की शुरुआत कैसी हुई ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें। तो मैं पहले आपको बताता हूँ करण ओजला और संदीप रेहान की दोस्ती के बारे में। करण ओजला और संदीप रेहान की दोस्ती कैसे पड़ी? ये पहले से ही दोस्त थे, कनेडा में रहते थे दोनों, तो एक दूसरे को जानते थे। तो एक दिन करण ओजला को पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने एक वीडियो बनानी थी, म्यूजिक वीडियो बनानी थी और उनको पैसे चाहिए थे। उनके पास पैसे कम थे और उन्होंने संदीप रेहान से पैसे के लिए रात को मदद मांगी। और संदीप रेहान के पास तब ना कोई कंपनी थी ना और ना कोई लेबल था। तब उन्होंने सुबह उनको पैसे दे दिए और पता नहीं कैसे कहीं से जुगाड़ करके उनको पैसे दे दिए। तब करण ओजला का कोई दोस्त नहीं होता था इंडस्ट्री में और किसी ने उनकी मदद नहीं की, पर संदीप रेहान ने उन पर भरोसा किया और उनको पैसे दे दिए। तो करण ओजला बहुत खुश हुए और अभी भी उनको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं अपना। तो उन्होंने फिर एक कंपनी स्टार्ट करने का सोचा जिसका नाम था रेहान रिकॉर्ड्स। रेहान रिकॉर्ड्स मेनली उसमें करण ओजला के सॉन्ग आते हैं और करण ओजला की वजह से ज़्यादा हिट है वो। जब संदीप रेहान ने ये कंपनी स्टार्ट की तब उन्होंने करण ओजला के गाने इसमें डलवाए जो कि पहले लोगों के पास पहुँचे नहीं, पर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए। उनके गाने डोंट लुक, लेट एम प्ले बहुत ही ज़्यादा हिट हुए और चिट्टा कुर्ता सबसे ज़्यादा इस टाइम उनका 190 मिलियन व्यूज़ पर है जो कि 200 मिलियन होने वाला है। और इस तरह उनका लेबल बहुत ही बड़ा बन गया, उनकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन गई और संदीप रेहान उनके मालिक हैं, ओनर है और करण ओजला के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इस तरह एक जीरो से स्टार्ट करी हुई कंपनी आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गई है। लगभग उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इसका क्रेडिट तो करण ओजला और संदीप रेहान को जाता है, दोनों को जाता है। और ये थी कहानी दोस्तों संदीप रेहान की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।